तो गाइज मुझे यहाँ पे अंगूठी नहीं अंगूठा मिला है जिसको आप तीन उंगलियों में पहन सकते हैं। Hey guys, welcome all, welcome back to my channel. So, आज हम कहाँ हैं गेस करके कमेंट में मत बताना क्योंकि मैं बता देती हूँ। सो पीछे के बैकग्राउंड से आप सबको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा कि आज हम आए हैं बंजारा मार्केट। जी हाँ, बहुत दिनों बाद आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं बंजारा मार्केट एंड लेट्स सी इफ आई फाइंड एनीथिंग टू बाय। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बंजारा मार्केट में एंटर करते ही पॉटरी का बहुत ही भंडार सा आपको दिखने लग जाता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो पॉटरी ही है। पॉट्स अलग अलग तरीके की क्रॉकरी एंड जो वुडन का डेको का सामान होता है वो, देन हमारे पास मिरर्स आ जाते हैं, जो भी क्रॉकरी की प्लेट्स डिनर डिशेस होती है या फिर अगर हमें कोई प्लेटर चाहिए वो सारा आ जाता है यहाँ पे। देन ये कॉफ़ी मग की पूरी स्टॉल थी। यहाँ पे 100 रुपये के 4 आपको मिलने वाले थे, ऐसे ब्लैक एंड वाइट कॉफ़ी मग्स काइंड ऑफ थिंग थी। और यहाँ पे और भी चीज़ें थी छोटी छोटी कुल्लड़ के काइंड ऑफ कुल्लड़ जैसी थी, वो भी 100 की 4। अगेन जैसा कि मैंने आपको बोला पॉटरी बहुत है, तो यहाँ पे अलग अलग के पॉट्स थे अलग अलग साइजेस एंड कलर्स पैटर्न के। एंड छोटे वाले की जो प्राइस थी वो 100 रुपीज़ थी, 150 कह रहे थे बट 100 में दे आर रेडी टू गिव यू छोटे वाले पॉट्स। और काफ़ी अलग सा पैटर्न था जो कि गार्डन को एक बहुत ही यूनिक लुक देने वाला है। मुझे ये फ्लावर वाले काफ़ी पसंद है। मैं भी आपकी कर रहा हूँ पर कितना मैंने माल देता हूँ आप लेना है देखो यार। हम मुझे देते हो माल मुझे भी दे दो फिर। नहीं नहीं आपने अरे बताओ तो बिजनेस करेंगे आपस में। नहीं नहीं मैडम मैं ऐसे नहीं मेरे माल। अरे यार एक रेट बताओ एक ही रेट एक ही लेना है मुझे। तो बेसिकली मेरा भी बड़ा मन था बाकी सबकी तरह क्रॉकरी का बिजनेस करने का, तो आई आस्क दैट गाय कि चलो बिजनेस की बातें कर लेते हैं हम, बट उन्होंने मना कर दिया। तो आगे हम दोबारा मार्केट एक्सप्लोर करने को निकल गए। जल्दी आओ यहाँ पे आओ जल्दी एक सीक्रेट बताना जल्दी आओ। तो गाइज ऐसा है कि अगर आपको तो ये कोट कर रहा है कि ये 400 रुपये का है तो वो आपको 100 रुपये में भी मिल सकता है। अभी की खबर है अभी की बता रही। चलो चलो इसके बाद मुझे यहाँ पे टेबल रनर्स और जो हमारे टेबल कोस्टर्स तो नहीं कहूँगी उन्हें, बेसिकली टेबल मैट्स जो होते हैं ये यहाँ पे 100 रुपीज़ के 4 मिल रहे थे, बट टेबल रनर्स की प्राइस थोड़ी सी हाई थी एज इन 250 और 200 रुपीज़। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इनका मटेरियल फॉर 250 रुपीज़। और इनमें ज़्यादातर पैटर्न क्रिसमस के थे या फिर रेड एंड वाइट कलर के टेबल रनर्स थे एंड समथिंग टू डेकोरेट क्रिसमस का भी था यहाँ पे। तो क्रिसमस का बहुत ही ज़्यादा स्टफ़ मुझे दिख रहा था इनके पास। देन मुझे एक और टेबल रनर पसंद आया, ये बोहो वाइब्स दे रहा था, बोहो या फिर आप जिप्सी कह लो ये वाला टेबल रनर, एंड इसकी भी प्राइस 250 थी बट आई वॉन्टेड 2 बट उन्होंने कम नहीं किया तो आई डेंट बाई दैट। अदरवाइज बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी इन सारे टेबल रनर्स की। इवन आपको यहाँ पे पेस्टल कलर्स में भी टेबल रनर्स मिल जाएंगे अगर आपको कुछ ऐसे क्रिसमस की थीम का नहीं चाहिए तो। आई मीन अलग अलग पैटर्न्स के थे टेबल रनर्स, तो एक ही पैटर्न बस रेस्ट्रिक्टेड नहीं था कि सिर्फ क्रिसमस का ही वो सेल कर रहे थे। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि जैसा टेबल रनर आपको चाहिए आप वैसा ले लो, तो आई रियली लाइक्ड।
जैसे ही मैं टेबल रनर के स्टॉल से फ्री हुई, मैं चली गई प्लांट्स के पास। तो बेसिकली अगर आप बंजारा मार्केट आते हो तो आप प्लांट्स भी ले सकते हो। ये मार्केट सिर्फ फर्नीचर या फिर होम डेको के सामान के लिए ही अब रेस्ट्रिक्टेड नहीं रह गया है, बट आपको यहाँ पे प्लांट्स भी मिल जाएंगे। बट थोड़े कॉस्टली थे, बट ये आप देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। आई मीन फर्स्ट आई थॉट कि ये वाला जो फ्लावर है, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल दैट फ्लावर, बट आई गेस कि मुझे मुझे ऐसा लगा तब कि ये आर्टिफिशियल है। बट हाँ, आप यहाँ अगर आते हो तो आप प्लांट्स भी ले सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, बंजारा मार्केट इज़ बहुत ज़्यादा फेमस फॉर लैम्प्स, लाइट्स या फिर जो बड़े बड़े क्लॉक्स होते हैं वो। तो इस वाले शॉप पे ज़्यादातर ये था और उन्होंने जला के भी रखा था सो दैट आप देख सको। देन मैं पहुंच गई इस बैग या फिर लॉन्ड्री बैग काइंड वाली स्टॉल पे, जहाँ पे आपको बेसिकली जूट का या फिर मक्रेम का काम किया हुआ लॉन्ड्री बास्केट मिल जाता है। देन अगेन हम पहुंच गए क्रॉकरी वाली जगह पे, बट क्रॉकरी के अलावा हमने देखा कि फ्लावर वॉज भी बहुत सारे हैं, एंड जो हमारे वॉल डेको होते हैं, वॉल हैंगिंग्स होती है वो भी थी। बट इनकी प्राइस हाँ वो ज़्यादा कोट करेंगे ही करेंगे, बिकॉज़ ऑनलाइन भी आपको महंगा ही पड़ता है, तो दे वांट कि हम जितने ज़्यादा में ज़्यादा कस्टमर को हैंडल कर पाए वो कर लेते हैं ऐसा। तो गाइज इस पूरी शॉप में ना मुझे फ्लावर वॉज या फिर होम डेको का सामान, चाहे वो वुडन मटेरियल में हो या फिर कांच के मटेरियल में हो, ये सारा कुछ था। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा एंटीक सा लुक दे रहा था कि हाँ, अगर आपको एक एंटीक डेको की ज़रूरत है तो आप यहाँ से ये चीज़ें लेके अपने घर को सजा सकते हो और एक बहुत ही एंटीक सा रूप दे सकते हो। एंड देन व्हाट नेक्स्ट आई फाउंड इज़ दिस एप्पल वॉच, नो नॉट एप्पल वॉच बट एप्पल क्लॉक। सो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा था अपने आप में। अपार्ट फ्रॉम दैट, छोटे छोटे स्टूल्स एंड ऑल थे यहाँ पे, और दोबारा अब मैं फर्नीचर वाले उसमें जाने वाली थी, बट आई थॉट कि वाओ यहाँ पे रग्स है। ये जितने भी रग्स आपको दिख रहे हैं ये 200 रुपीज़ ईच के थे, तो अगर आप पिकनिक जाते हो तो यू कैन कैरी दिस टाइप ऑफ रग विथ यू, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे ये आप क्या कर सकते हो, कुछ कर लेना यार इन सबका घर पे। ये दिखाओ ना, मुझे दिखा रहे हो, मुझे सजा देंगे अपने घर पे। ये ले लूँ C4 जो किसी किसी के माथे पे लिखा होता है। ये रही मैं अपने आप को निहारते हुए, बहुत ज़्यादा मैं कूल नहीं लग रही हूँ, बट पीछे का नज़ारा आप देख सकते हैं इस मिरर में। मतलब पॉइंट की बात ये है कि कुछ आपको इस तरीके का मिरर मिल जाता है यहाँ पे, जिसकी प्राइस आप नेगोशिएट कर सकते हो। अच्छा, ये एक दूसरे को घुमा रहे हैं, टोपी पहना रहे हैं। सही है, सही बुलाया क्यों मुझे। अगर आपको भी कैंडल्स का, सेंटेड कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक है, और अगर आपको ऐसा कुछ मतलब फ्रेग्रेंस वाली चीज़ें पसंद है, या कैंडल होल्डर्स आपको अच्छे लगते हैं होम डेको के लिए, तो आप यहाँ से वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा कलेक्शन था इनके पास कैंडल्स का, मतलब अलग अलग शेप्स थी यार कैंडल्स की, मैं बता नहीं सकती इतनी सही थी। एंड कैंडल होल्डर्स भी अलग अलग तरीके के थे, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक मटेरियल एक ही है, तो इनके पास पीसेस काफ़ी थे, मतलब क्वांटिटी अच्छी थी इनकी। एंड जब मैंने प्राइस पूछा तो इट वॉज 2500, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा लगा। तो थोड़ा बहुत तो कॉस्टली ये बताते ही है, लेट्स सी, क्योंकि मेरा बड़ा मन था कैंडल लेने का, बट इट वॉज सो कॉस्टली। में ऐसा क्या डाल रहे हैं जो 2500 रुपये देने की ज़रूरत पड़ रही है लोगों, क्या है ऐसा। देखना मेरे पेन पड़ गए, पेन दिला देना। कहा ना कुछ भी नहीं है। देन गाइज मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ रग्स की शॉप पे, जो बेसिकली रग्स एंड कारपेट्स होते हैं वो वाली शॉप पे। पिछली वाली में इतनी ज़्यादा कलेक्शन नहीं थी, बट दिस वन वॉज़ फॉर 600 रुपीज़। एंड इनके पास रग मोटे भी थे एंड पतले भी थे, जो बेसिकली कारपेट एंड रग्स होते हैं अलग अलग, वो थे। और इनकी भी क्वांटिटी काफ़ी सही थी, मक्रेम वाले वॉल हैंगर्स भी यहाँ पे मिल रहे थे, और ऐसा कुछ भी था।
जो अभी रेड में मैंने आपको दिखाया, और काफ़ी सॉफ्ट था इनका मटेरियल। बट हाँ, जो कारपेट्स थे उनकी प्राइस 1200 से स्टार्ट हो रही थी, एंड देन ऊपर जाते जाओ तो थोड़ा और महंगा था अकॉर्डिंग टू दी साइज़ एंड क्वालिटी। एंड यहाँ पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा सही से टेबल रनर्स एंड टेबल मैट्स देखे थे, इनकी भी प्राइस वही थी 250 ईच। एंड टेबल मैट्स जो होते हैं वो थोड़े से यहाँ पे कॉस्टली थे। क्या हम इतने गरीब? देन बंजारा मार्केट में होम डेको का सब कुछ मिलता है, इससे तो मैं बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकती। बिकॉज यहाँ पे मैंने देखे बहुत ही प्यारे जो वाटरफॉल्स नहीं होते, जो बड़े से होते हैं बिल्कुल ही, तो दे वर सेलिंग इट फॉर 7000 और 7500, आई मीन 7500 या 7000 रुपए की थी। काफ़ी ज़्यादा अच्छा था इनका मटेरियल, एंड वो चला के भी दिखा रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिक वाले थे, मतलब इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी आपको चाहिए ही चाहिए होगी। बट मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिला। तो अब मैं बिल्कुल मार्केट के एंड पे ही आ चुकी हूँ, मेरा कुछ भी लेने का दिल नहीं हुआ। पहले तो प्राइस पूछ के, प्राइस तो फिर भी चलो नेगोशिएट कर सकते हैं, बट शायद मेरा मूड नहीं था उस दिन कुछ भी लेने का, तो बस मैंने मार्केट एक्सप्लोर ही एक्सप्लोर किया, बस देखी नई नई चीज़ें एंड ऑल। तो हाँ, मज़ा तो आया मुझे। तो गाइस, मुझे यहाँ पे अंगूठी नहीं अंगूठा मिला है, जिसको आप तीन उंगलियों में पहन सकते हैं। ये क्या है, ये टी क्यों लिखा है, बनाकर पी नहीं लेगा इंसान? तो ऐसी सी चीज़ें थी यहाँ पे, एंड कुछ अलग ही चीज़ें थी, पता नहीं समझ नहीं आता, मेरे कैंडल होल्डर्स जैसे लग रहे थे। बट जो सबसे वेली चीज़ मैंने देखी वो थी साले वो पैन, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो? तो ऐसा ही कुछ आज हुआ मार्केट में, एंड दिस वाज सो यूनिक दिस थिंग, सो लेट्स सी आगे क्या करते हैं हम। गाइस, बेसिकली वी हैव बीन टू बंजारा मार्केट, हम वहाँ पर थे, बट हमारी गरीबी ने ऐसा धक्का मारा और इतनी अच्छी जगह पहुँचा दिया मुझे। आई कैन नॉट वेट टू शो यू, शो देम आउट। ओके, सो ये नर्सरी बिल्कुल बंजारा मार्केट के पीछे आपको मिल जाएगी, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है, मतलब जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही है उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के आगे ही ऑब्वियसली, तो वहाँ तक ये नर्सरी फैला हुआ है बहुत ही अच्छे तरीके से। बहुत ही अलग अलग तरीके के प्लांट्स है, फ्लावर्स है, वेजीज़ है, एंड है यूसे यहाँ से आप मिट्टी भी लेके जा सकते हो आई गेस, तो ये कुछ ऐसा है। तो आई एम गोइंग टू बाय थोड़ी बहुत चीज़ें, आई डोंट नो, भैया ने यहाँ कहीं अजवाइन बताया था, बट आई एम कन्फ्यूज्ड, आई विल सी। बट यहाँ से मैं मिंट लेकर जाने वाली हूँ, एंड यार कहाँ देखने को मिलती है इतनी प्यारी चीज़, लेट मी शो यू दिस। ये तो आजकल गार्डन से ही गायब हो चुकी है, बट नो इश्यूज, सो लेट्स सी व्हाट विल आई बाय। ये मिंट देख के इतने सारे ना बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, और यू कैन सी द टोमेटो। आई मीन आई एम अ फैन ऑफ गार्डनिंग एंड ग्रोइंग माई ओन वेजीज, बट इतना टाइम मिलता नहीं, ना ही इतनी स्पेस होती है, फिर भी थोड़ा थोड़ा अपने लेवल पे जितना मैं कर पाऊँगी आई विल डू दैट। सो लेट्स सी दैट व्हाट ऑल आई वॉन्ट। दीज आर चाइनीज़ ऑरेंजेस, बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है इनकी, सो लेट्स सी। तो बस आगे क्या, आगे हमने नेचर का थोड़ा बहुत लुफ्त उठाया, ये कड़ी पत्ते के पौधे देखे, एंड उसके बाद मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से जाऊँ जाऊँ जाऊँ, लेकिन फिर भी जाना तो है ही एक ना एक दिन सबको, तो ये मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था इसलिए इसको इतनी देर तक कैप्चर किया है। मज़ा ही आ रहा होगा, अलग ही है ये भी।
इस नेचर के क्लिप के साथ अब इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।